प्लास्टर के दौरान मकान के ऊपर से गिरकर घायल एक दिहाड़ी मजदूर की लाश के दौरान मौत। बेगूसराय में मकान से गिरकर घायल एक दिहाड़ी मजदूर की लाश के दौरान आखिरकार बुधवार को मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों को कोहराम मच गया। घटना बेंगलुरु के तोगुर प्रांत के निकट की है। मृतक की पहचान चेरियवरियारपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 निवासी रामबली महतो का लगभग 27 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि मकान में प्लास्टर की काम चल रहा था, जहां पर मजदूरों में लीन था और उसी दौरान वह मकान से नीचे गिरकर घायल हो गया। घर वालों ने बताया कि जख्मी हालात में उसे बेंगलुरु के इलाज कराया गया, लेकिन पैसे के अभाव में कारण उसे बेगूसराय लाया और जहां पहुंचते ही बुधवार की शाम उसने दम तोड़ दिया। मृतक का भाई धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि वह मात्र 5 दिन मजदूरी किया और यह दुखद घटना घट गई। घटना की खबर मिलते ही चेरिया बरियारपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच लाश को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज अन्य जांच में जुट गई है। क्या घटना घटी है? बेंगलोर में काम कर रहा था, भाड़ा पर से आउटसाइड गिर गया, भाड़ा पर से आउटसाइड गिर गया। कितना दूरी से? 10 फीट दूरी से। उसके बाद क्या हुआ? मस्तक में चोट लगा, वहाँ पर इलाज कराए, वहाँ 1000 रुपया लगाए, यहाँ लेकर आए खंजापुर अत्यंत मर गए। कब की घटना है? कल स्पॉट हुआ है। घटना कब घटी थी? घटना घटी थी 13 तारीख सोमवार। 13 तारीख को क्या बजे? 12 बजे। ये क्या करते थे? मजदूर काम करते थे। वो मकान में क्या हो रहा था वहाँ? प्लास्टर। जोर से बोलिए। प्लास्टर हो रहा था। कब से वहाँ काम कर रहे थे? सर जी 3 तारीख को वहाँ गया था। अच्छा, 2-3 दिन काम किया बस। क्या नाम है उनका? अमित कुमार। कितना उम्र है? 27 साल। उनके पिताजी का नाम क्या? श्री रामबली में। घर? खंजापुर। वार्ड संख्या और थाना कौन? वार्ड 6 थाना चेरिया भैया। आपके कौन है? हमारा भाई है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मास्टर।